गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मैं भी जा रही हूँ कॉलेज से, थोड़ी दूर है मेरा कॉलेज और मैं पैदल नहीं जाती, मैं ऑटो से जाती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा मन कर रहा है, टाइम भी है मेरे पास, तो मैं सोची मैं पैदल थोड़ी देर चलूँ फिर ऑटो लूँ। ठीक है, फिर मैं ऑटो लेती हूँ। बाय। ना सुनसान रास्ता है यार। हाँ, सामने कैमरा सेटिंग करना। हाँ, सब आता है। मैं निकल चुकी हूँ अभी अपने कॉलेज से। टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहा है और 2 बजे मेरा क्लास ओवर हो जाता है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम। रूम में क्या करूँगी गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, इसलिए मैं जाके पहले खाना बनाऊंगी। कॉलेज से आ गई हूँ अपने रूम, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है इसलिए थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है, 2:30 बज चुके हैं गाइस। बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा गर्मी था बाहर। गाँव में ना इतना भी गर्मी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था उस टाइम पर जब मैं घर तो मैं पागल लग रही होंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब किसी से तो बात करना ज़रूरी है ना, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही रूम की सफाई हो चुकी है, मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया और कितना ज़्यादा गर्मी और पसीना आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे। अभी टाइम है कि मैं अपने लिए खाना बनाऊँ। देखिए मेरा टेस्टी नूडल्स एंड पास्ता। गाइस, मैं अभी आई हूँ मोवा, मेरे को मोवा में कुछ काम था और मैं देखी यहाँ पे एग रोल बन रहा था और वो बहुत ज़्यादा महंगा था, मेरे बजट में नहीं था। गाइज, मैं जिस गली में जा रही हूँ ना, मतलब चल रही हूँ, वो गली मेरे हॉस्टल का था किसी टाइम पे, मतलब मैं उस हॉस्टल में रह करती थी। अब मैं नहीं रहती उस हॉस्टल में और अफसोस, मतलब संडे के अलावा अपन, अब मैं बाहर की हो चुकी हूँ ना, हॉस्टल की नहीं हूँ, तो संडे के अलावा हम लोग हॉस्टल नहीं जा सकते और जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। हर हॉस्टल का ऐसा रूल होता है कि बाहर वालों का अलाउ नहीं होता, और अब मैं बाहर वाली हो चुकी हूँ, तो जब भी जाती हूँ परमिशन लेके जाना पड़ता है। उसी रास्ते से मैं अपने दोस्तों के साथ, हॉस्टल वालों के साथ स्कूल जाया करती थी, जहाँ भी जाना होता था, मतलब इस रास्ते पे अपन जाते थे। और तो मोवा का तालाब एरिया है ना गाइज, ये पूरा गांव वाला एरिया, मतलब मोवा ही एक गांव है समझो, और ये जो अभी मैं जहाँ पर चल रही हूँ वो पूरा गाँव वाला एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम लोग हैं। मोवा का बहुत बड़ा मस्जिद, मतलब फेमस वाला मस्जिद है, और इस मोहल्ले का मस्जिद आराम मस्जिद मोहल्ला बोलते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मस्जिद, ये देखिए, ये मतलब मस्जिद है, सामने से देखने से और बड़ा है, रास्ते में आने से, क्योंकि थोड़ा डरावना टाइप का है, और फिर भी मैं आ रही हूँ क्योंकि यहाँ से ये ना शॉर्टकट है मेरे लिए और डायरेक्ट यहाँ से मैं अपने रूम पहुँच सकती हूँ। सामने से मस्जिद कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, आ चुकी हूँ अपने रूम, अपने गली पे। आलू लेके अपने साथ, भूख तो अभी नहीं है क्योंकि मैं बाहर कुछ खाई, मतलब मोमोज खा ली, और देखते हैं मैं क्या बनाऊंगी या फिर नहीं बनाऊंगी गाइस, क्योंकि भूख तो मुझे है ना, रात में अगर भूख लगेगा तो मैं कुछ बना लूँगी। सो मेरे डेली के काम पे कुछ और भी है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ मैं बता देती हूँ। मैं पढ़ने वाली हूँ बाइबल, जो मैं हर शाम को पढ़ती हूँ और जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़ें। सो गाइज, मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे मैं बाइबल स्टडी करती हूँ, तो जैसे न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट है, नया नियम और पुराना नियम है, तो मैं नया नियम को सीरियल वाइज पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं पहुँची हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। मैं अभी पहुँची हूँ इब्रानियों 3, इसका हेडिंग है यीशु मूसा से श्रेष्ठ। आगे पढ़ते हैं गाइज,
इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है। अभी को जय मसीह की। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, जो लोग नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, बाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।